हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसको यूज़ करते हुए आप अपने मैसेजेस को आधे घंटे के बाद भी डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। तो ये ट्रिक कई दिनों तक वर्किंग करती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में शो होने वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, वीडियो को पूरी देखिएगा और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना आपने। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो है उसमें आपने ये देखना है कि आपने जो भी मैसेज डिलीट करना है उसकी डेट और टाइम क्या है। तो यहाँ पर मेरे केस में मेरा जो मैसेज है वो एक दिन पुराना है, यानी कि कल का। तो कल थी डेट 29 मार्च और टाइम था जो भी मैसेज मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसका टाइम है 10:48 AM। तो इसके बाद आपने सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में ऑप्शन होता है ऐप्स का, ऐप मैनेजर का, तो आपने वो फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ऐप्स में जाता हूँ, यहाँ पर मैनेज ऐप्स है, तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप को सर्च कर लेता हूँ। आपकी सेटिंग्स में डिफरेंट हो सकता है ये। तो सिंपली आपने व्हाट्सएप को एप्लीकेशन मैनेजर में फाइंड करने के बाद यहाँ पर नीचे जो बॉटम पे ऑप्शन आ रहा है फोर स्टॉप, आपने इसको फोर स्टॉप कर देना है ताकि व्हाट्सएप जो है वो इंटरफियर ना कर सके। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी को स्विच ऑफ कर देना है। डाटा यूज़र हैं या वाईफाई यूज़र हैं तो आपने जो है इंटरनेट को कम्प्लीटली बंद कर देना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अगला हम काम हमने ये करना है कि हम सेटिंग्स में जाएंगे, टाइम सेटिंग्स में जाएंगे और हम अब वो टाइम सेट करेंगे जो कि हमने जिस टाइम पर हमने मैसेज सेंड किया था। तो यहाँ पर मैं डेट को चूज़ करता हूँ 29 मार्च और यहाँ पर टाइम मैं सेट कर लेता हूँ। हमारा टाइम था 10:48 तो यहाँ पर मैं 10:50 सेट कर लेता हूँ, अबाउट 2 मिनट बाद का। तो अब टाइम सेट हो चुका है और डेट भी सेट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारे जो मैसेज है उस पर डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आता है या नहीं। तो ये गाइस मैंने मैसेज डिलीट करने के लिए सिलेक्ट किया, तो देखें अब यहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आना शुरू हो गया। तो चलिए इसको डिलीट करके भी देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं। तो गाइस देखें डिलीट हो गया और साथ में क्लॉक का आइकन आ रहा है, मतलब ये एक्शन जो है अभी पेंडिंग है क्योंकि हमारा इंटरनेट जो है वो बंद है। मैसेज डिलीट कर देने के बाद आपने टाइम को दोबारा से करंट टाइम पर सेट कर लेना है और उसके बाद दोबारा से व्हाट्सएप को ओपन करना है और साथ में अब आपने जो है जैसे ही मैंने इंटरनेट को ऑन किया, देखें जो आपका पेंडिंग एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मैसेज जो है वो दूसरे यूज़र के लिए कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।